नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं इस दिवाली के सीजन में, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हैं उनके लिए कौन सा अच्छा होता है, लैपटॉप ले या कंप्यूटर। तो अगर आप भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं क्या लेना चाहिए इस दिवाली, तो पूरा वीडियो देखिए, आपको गाइड करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट होता है, कौन कितने रुपये का है, सारी चीज़ें पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का प्रयास करते। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और कंप्यूटर लैपटॉप बारे में बहुत जानकार हूँ, मतलब जानकारी ठीक ठाक मुझे है इसके बारे में। तो देखिए, एक जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर सेट के अंदर आपको एक पूरा पूरा डब्बा मिलेगा सीपीयू का, उसके बाद आपको एक मॉनिटर लेना पड़ेगा और कीबोर्ड और माउस लेना पड़ेगा। ये सारी मतलब बड़ा जगह घेरेगा और ज़्यादा लाइट घेरेगा, सारी चीज़ें हैं। और लेकिन लैपटॉप देखिए, लैपटॉप छोटा आजकल आ चुका है, चाहे आप 15 इंच में लेते हैं, चाहे आप जो है 14 इंच में, छोटा कॉम्पैक्ट है ये। सबसे पहला चीज़ है कि ये आपका जो कंप्यूटर है ना, ये ज़्यादा जगह घेरता है, ज़्यादा बिजली खाता है, और उसके मुकाबले ये जो आपका लैपटॉप है ये कम बिजली खाता है उसके मुकाबले और कम जगह घेरता है। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ होता है कि देखिए, बहुत सारे जगह ऐसा होता है जहाँ की लाइट की स्थिति नहीं है, कभी लाइट गोल होता है, कभी लो वोल्टेज आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर दिक्कतें ऐसी हैं, लाइट अगर नहीं है, तो आपका फिर कंप्यूटर और ये चलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसको लाइट चाहिए, परमानेंट चाहिए। अगर आप UPS लगा लेते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो आपको आधा घंटा बैकअप मिल जाएगा, 15 बैकअप मिल जाएगा, तो उससे काम नहीं करता। लेकिन लैपटॉप के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट बैटरी होता है, इसके अंदर देखिए बैटरी लगा हुआ है और ये बैकअप आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैकअप देता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी लैपटॉप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। अब देखिए, बात ये है ना, आप जो लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, किसके लिए खरीदने जा रहे हैं, अगर आपके मन में क्लियर है कि हाँ किसके खरीदने हैं। देखिए, एक होता है इंडिविजुअल यूज़र, कोई बच्चा है जो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन करा लिया है, मतलब बीटेक करना उनको है या MBA करना, कुछ काम करना है, तो 100 अगर वो यूज़ करने वाले हैं तो मैं कहूँगा फिर आप लैपटॉप प्रेफर कर लीजिए। ठीक है, समझे इस बात को, तो फिर मत कैरी करिए, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो MBA कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या कि आज इस शहर में है, कल दूसरे शहर में जाएंगे, क्या है, तो कंप्यूटर को कैरी करना मुश्किल हो जाता है। लैपटॉप को बैग में डालिए और बैग में डालने के बाद में जहाँ जाना वहाँ चले जाइए, क्लियर हो चुका है, तो इसलिए लैपटॉप ले लीजिए। बात करेंगे प्राइस के बारे में, लेकिन और देखिए अब ये कंप्यूटर की बात आती है, जैसे मान लीजिए आपके घर के ऊपर 3-4, 4-5-6 मेंबर हैं जो कि आपको यूज़ करना है कंप्यूटर, आपको यूज़ करना सीखना है एकदम है, और चाहते जानकारी के लिए, और सबको कुछ ना कुछ पढ़ाई करना है, किसी वर्ड पे काम करना है, किसी पे टैली पे काम करना है, किसी पे एक्सेल पे काम करना है, तो 5-6 लोग हैं। तो अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप मत खरीदिएगा, अगर घर के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए क्या लीजिए, आप डेस्कटॉप लीजिए, आप उसके लिए कंप्यूटर लीजिए। ठीक है, क्या होता है, देखिए 5 आदमी कंप्यूटर चलाना घर के अंदर है, तो 5 आदमी ना अलग तरीके से यूज़ करेंगे, तो कीबोर्ड पर तेज तेज मारेंगे तो आपके लैपटॉप कीबोर्ड खराब हो जाएगा, तो ज़्यादा पैसा लगता बनवाने में लगता है। कीबोर्ड अगर माउस यूज़ करते हैं तो कोई पटकता है, कोई नॉर्मल यूज़ करता है, 4-5 लोग हैं तो खराब हो जाएगा, 200-150 रुपये का माउस मिल जाएगा। उसके बाद बड़ा स्क्रीन दिखता है, जो नए लोग होंगे आपको कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीखेंगे तो उनको क्या है, बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखेगा, बड़ा बड़ा TV दिखेगा, मतलब उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर घर के ले रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा मेंबर लोग हैं, तो वहाँ पर आप जो है कंप्यूटर खरीदिए, और सिंगल यूज़ के ले रहे हैं, आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर आप लैपटॉप खरीदिए। अब बात है कौन सा क्या किसके में कर सकते हैं। देखिए, जो काम आप कंप्यूटर में कर सकते हैं मेनली पूरा पूरा काम लैपटॉप में कर सकते हैं, जैसे वर्ड पे काम करना, एक्सेल पे काम करना, इंटरनेट पे काम करना, ईमेल करना, कुछ डाउनलोड करना, सारा कुछ जो इस पर हो सकता है, सारा काम उसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें उसमें दिक्कत है, बस ये फ़र्क ये पड़ता है पोर्टेबल होने के नाते, डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर मुकाबले लैपटॉप थोड़ा महंगा होता है, और ये लेने जाएंगे तो आपको ज़्यादा इसके लिए पे करना पड़ेगा। अब बात आ जाइए कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब इसमें कंप्यूटर में 2 प्रकार के कंप्यूटर आपको मार्केट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको असेंबल कंप्यूटर और एक मिले आपको ब्रांडेड कंप्यूटर। असेंबल कंप्यूटर ये होता है कि जैसे आप थोड़े जानकार हैं, आपको मालूम है कि क्या क्या पार्ट लगा करके हम कंप्यूटर को बना सकते हैं, हम कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं, तो आप दुकानदार पर जाते हैं, बोलते हैं हमको असेंबल कंप्यूटर दे दिए, तो अलग अलग पार्ट खरीद के आप खुद जुड़वा सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। और एक होता है ब्रांडेड कंप्यूटर, ब्रांडेड कंप्यूटर जैसे HP, डेल, Acer, Lenovo कंपनियाँ होती हैं जो खुद चीज़ों को इकट्ठा करती हैं, उसके अपना थप्पा नाम लगा करके मार्केट बेचती हैं, तो सेल्स आउट ऑफ सर्विस जो है वो एक ही कंपनी से मिलेगा।
जैसे मान लीजिए एचपी कंपनी का आपने कंप्यूटर लिया तो एचपी वाले आपको जो है सर्विस देंगे, डेल का आपने कंप्यूटर लिया तो डेल वाले आपको सर्विस देंगे। लेकिन असेंबल में क्या होता है, जिस दुकान से आपने कंप्यूटर खरीदा हुआ उस दुकान में लेके जाएंगे, या दुकानदार कहे भैया आपके कंप्यूटर में आसूस का मॉडल मिला हुआ है तो ये आसूस सर्विस सेंटर जाएगा, आपके कंप्यूटर के अंदर सिम्टोनिक का लगा हुआ है, आपका रैम लगा हुआ तो सिम्टोनिक कंपनी में, मतलब इसमें अलग वारंटी मिलती है और वहाँ डेस्कटॉप में जो है आपको एक वारंटी मिलती है। अब बात फर्क ये आती है कि देखिए असेंबल कंप्यूटर थोड़ा ब्रांडेड कंप्यूटर मॉडल सस्ता होता है और ब्रांडेड कंप्यूटर थोड़ा सा महंगा होता है, समझ गए। तो अब देखिए अलग अलग कैटेगरी एकदम है, आप एकदम नौसुखी आदमी है, मतलब आपने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं है, बस ये है कि बच्चों को एडमिशन करा दिया है, बच्चे कंप्यूटर बारे में सीखना चाहते हैं, तो आजकल ना चाइनीज वाले कंप्यूटर मार्केट के अंदर आ जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर मार्केट में जाएंगे कहेंगे भैया हमको असेंबल कंप्यूटर दे दीजिए, भैया हमको जो है वो चाइनीज वाला कंप्यूटर दे दीजिए, तो 12-13 हज़ार रुपये में आपका एक कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर जो नॉर्मल चीज़ें घर वाली होती है ना, मूवी देख सकते हैं, छोटा मोटा गेम भी खेल सकते हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप जाके वो ले लीजिए 12-13 में मिल जाएगा। भाई बात लैपटॉप की, अब लैपटॉप में देखिए हर आदमी नया लैपटॉप नहीं ले सकता है, अगर आप एकदम बिगनर हैं, मान लीजिए अभी शुरुआत हमने किया कंप्यूटर लैपटॉप और सीखने के लिए, तो क्या होगा ना आजकल मार्केट के अंदर रीफर्बिश लैपटॉप बहुत मिला हुआ है। रीफर्बिश मतलब पुराना लैपटॉप है, अगर दुकान में मार्केट में जाएंगे बोलेंगे मुझे रिफर्बिश लैपटॉप चाहिए, दुकानदार दिखा देगा आपको रिफर्बिश लैपटॉप लेके काम कर सकते हैं। रिफर्बिश लैपटॉप जो है वो 10,000 स्टार्ट होकर के 40,000 रुपये तक आता है, और आपके मन में आ रहा होगा कि रिफर्बिश लैपटॉप क्या होता है, तो बता दो पहले मैंने वीडियो बना रखा रिफर्बिश लैपटॉप के ऊपर, जाकर देख लीजिएगा, रिफर्बिश लैपटॉप भी पुराना लैपटॉप भी होता है, वो भी अच्छा है। देखिए नया लैपटॉप लेते हैं, जैसे ये लैपटॉप मैंने लिया हुआ था, ये लैपटॉप का प्राइस था उस समय 65,000 रुपये, अब इसको मैं सेल करने जाऊंगा 40,000 रुपये मिल जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप मार्केट खरीद लेते हैं उसके बाद सेल करते हैं उसका वैल्यू तुरंत गिर जाता है। अगर आप रिफर्बिश मतलब पुराना लैपटॉप खरीदते हैं उसको 2 महीना इस्तेमाल करते हैं, आपने 20,000 खरीदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि 5,000 नुकसान देके जाएगा, 7,000 नुकसान देगा, 20 का 10 हो जाएगा, कितना नुकसान, 10,000 नुकसान हुआ, लेकिन इसमें कितना नुकसान हो जाएगा, 30-40,000 नुकसान हो जाएगा। तो अब अगर आप बिगनर हैं ना तो ज़्यादा पैसा मत लगाइए, स्टार्टिंग में लीजिए, और स्टार्टिंग मतलब कि कम पैसे वाला सामान लेकर सीखिए और सीख जाइए, तो उसके बाद जो है कि असेंबल कंप्यूटर लीजिए, ब्रांडेड कंप्यूटर लीजिए, या ब्रांडेड जो है आपका ये लैपटॉप ले लीजिए। हाँ, एक मन में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल होना चाहिए कि लैपटॉप में असेंबल आता है, लैपटॉप में असेंबल नहीं आता है, लैपटॉप ब्रांडेड ही आता है, ब्रांडेड ही मेरे पास एचपी है, इसके पहले डेल कंपनी का लैपटॉप है। तो जो माँ बाप, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं नंबर देकर के, कहते हैं कि हमें कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना है, तो वीडियो को वो देखे होंगे पूरा, तो उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुका हो कि बच्चों के लिए घर के लिए लैपटॉप लेना चाहिए, घर के लिए कंप्यूटर लेना चाहिए, कंप्यूटर में असेंबल की ब्रांडेड सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आपको आए, इस वीडियो से कुछ भी सीखे हों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया बहुत सारे लोग होते हैं ना वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे खरीदना क्या होता है, वीडियो के माध्यम से वो उनको डिसाइड करने में सही मिले। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।